आज हम जूते की सिलाई करेंगे। जूते की सिलाई इसलिए करेंगे कि हमारे हाथों से प्रैक्टिस होता रहे, हाथों में सफाई होती रहे काम करने में। इसको पहले हम एलपी से चिपकाएंगे, उसके बाद में सिलाई करेंगे। किनारी वाली लाइन को ठीक से चिपकाना है कि गड़बड़ ना हो, नहीं तो सिलाई करते वक्त ये ऊंचा नीचा हो जाएगा, देखने में बेकार लगेगा। इसको ठीक से हमें चिपकाना है। एक जूते की तो पहले मैंने सिलाई कर ली है, उसके बाद में मैं चिपकाऊंगा उसको। तो मैं पहले चिपका दे रहा हूँ, फिर सिलाई करूँगा। इस जूते के अंदर लास्टिक वाला कपड़ा लगा हुआ है जो सेटिंग करने में दिक्कत आ रही है। राउंड में सिलाई मारना है। एक तरफ से सिलाई ले लेंगे, धागे को पहले हम अंदर डालेंगे। धागे को हम ऐसे नाप लेंगे साइज से, पूरा राउंड कितना धागा लगेगा उतना धागा एक तरफ निकाल लेंगे। ये इतना धागा लगेगा, इतना थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। ये टांके को हमें इस प्रकार से चलाना है। मैं किसी ना किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ, अगर मेरे काम में अगर वो चीज़ आती है तो, भले ही चाहे वो जूता हो या चप्पल हो, मैं कुछ ना कुछ करता रहना मेरी आदत है। इधर आगे का हिस्सा थोड़ा सिलने में थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हाथ अंदर घुसता नहीं है मेरा सही से। इससे पहले वाला जूता मैंने बिना चिपकाए सिला था, जिससे वो दिक्कत हो रही थी उसको मिलाने में इस बार, इसलिए मैंने इस वाले जूते को पहले चिपका लिया और फिर इसके बाद सिलाई कर रहा हूँ। बड़ी करो।
ये भी काम कर लेते हो भाई? सब काम को इंसान ही करते हैं, कोई काम छोटा बड़ा थोड़ा है। जिससे हमारा परिवार चलता है वो काम छोटा थोड़ा होता भाई। सही बात है। आज ये कल लेगा तो पंचर लगवा सकते हो। हवा निकल गया अपने आप, चेक करो पहला हवा। ये दोनों जोड़ी की हमने सिलाई कर दी है, ये देखिए। बाकी अब ये जूता चलेगा। ये तरीका था इन जूतों की सिलाई करने के लिए, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट सिलाई हो गई है। पूरी गोल में राउंड पूरा राउंड मार दिया है जूते का। यही तरीका था सिलाई करने का। बाकी अब इसको थोड़ा और पक्का काम करने के लिए ये साइडों में मैं एलपी लगा दूंगा। एलपी हिसाब से लगाना है कि दाग ना आए, तो ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा जूता। मैं काम करने में श्रम नहीं करता हूँ, मेरे को जो भी काम मिलता है मैं कर लेता हूँ। जो भी मेरे को काम आता है मैं आप लोगों के से शेयर करता हूँ कि मेरे को जो काम आता है मैं वो करके दिखाता हूँ आप लोगों को। लॉकडाउन में मैंने चप्पल जूते भी सिले थे, क्योंकि गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, साइकिलें चल रही थी, लोगों को चप्पल जूते मिल नहीं रहे थे, तो लोग अपने पुराने फटे पुराने जूतों को सिलवा के पहने। मेरे को ही आता था, तभी तो मैंने अपने घर की रोटी चला ली। ये
ये चिपका दिया जी, एक्यूरेट हो गया, पूरा फंस गया है। बाकी जब इसमें पैर डलेगा तो ये चलेगा। एलपी लगाने से ये साइड की किनारियाँ हार्ड हो जा रही हैं, बाकी जब पहनेंगे ये सॉलिड हो जाएगा। बहुत हल्का हल्का एलपी डालना है, वैसे सिलाई से पहले हम चिपका देते तो और अच्छा रहता। ये हो गया कंप्लीट जूता। बाकी इसमें मैंने एलपी थोड़ी ज़्यादा लगा दी तो ये किनारी थोड़ी हार्ड हो गई है। बाकी जब बच्चा पहनेगा इसको तो ये सेट हो जाएगा, अपनी लाइन में आ जाएगा। बाकी इसमें हम जूता भी डाल देते हैं। चलो ये सिलाई के ऊपर भी हमने एलपी लगा दी है। बाई चांस ये धागा कट जाए रगड़ खा के तो भी एलपी अपनी पकड़ बनाए रखेगा। वाल है निकलना पड़ेगा। ये हमने धागे की सिलाई पे एलपी भी लगा दी है, जिससे कि अगर धागा साइड से कट जाता है तो धागा एलपी है वो अंदर की पकड़ बना के रखेगा, जिससे कि जूते की सिलाई खराब नहीं होगी। बाहर से भले कट जाए लेकिन पकड़ बना के रखेगा। जय हिंद।